आबादान और खरम शहर में दुश्मन अफराज के मुहासरे में आए हुए इलाकों में। हालिया खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक दुश्मन ने मस्कूरा बाला ऑपरेशन वाले इलाकों में एक फ्रांसीसी सबिलियन रडार नस्ब कर रखा है, लिहाजा मस्कूरा रडार की तनसीब की जगह से मुतालिक हर किस्म की रिपोर्ट फौरन कमांडर को पेश की जाए ताकि जब फौजी टाइपिस्ट अपनी उंगलियों की जर्ब से उस डायरेक्टिव का एक एक लफ्ज कागज की सफेदी पर पटख रहा था तो शायद वो सोच भी नहीं सकता था कि अगले 2-3 दिन तक किसी तरह ये अल्फाज एक तूफान की तरह हमारी जिंदगियां और जंग का रुख बदल कर रख देंगे। मंजूर है, सिर्फ 4 दिन। रिफाइनरी से उठने वाले गम अंगेज शोलों की चमक उसके चेहरे पर पड़ी और उसकी मसनूई आंख की कमजोरी में इजाफे का बायस बनने लगी। ये दूसरी दफा था कि मेरी नींद में खलल पड़ा था। पहली बार मैं बड़े मुखजन में धमाके की आवाज से जागा था। आखिरकार उसे भी निशाना बनाया गया और हवाई जहाज का कई मिलियन लीटर पेट्रोल मशरूम की तरह आसमान की तरफ बुलंद हुआ। मैं छत पर अपने सीमेंट के सायबान पर लेटा हुआ था, फिर भी उसकी गर्मी मुझे अपनी जिल्द पर महसूस हो रही थी और तेज रोशनी से मेरी आंखों के पपोटे जायल हो रहे थे। और अब यह दूसरी मर्तबा था जब टारगेट स्पॉटिंग के दौरान मुझे अभी अभी नींद आई थी, जब परवेज के हाथों के झटके से फिर जाग गया। मुझे किसी चीज से इतनी नफरत नहीं रही जितनी रातों की बदख्वाबी से रही है। साहिली बेस के इंचार्ज कासिम को यह बात अच्छी तरह मालूम थी और वो उसकी रियायत भी करता था। कुछ शिकार किया? देख नहीं रहे, मैं सोया हुआ था। मैं अपनी जगह पर नीम खेज हालत में बैठ गया। ईंट की छोटी सी दीवार की वजह से उस ऊंची जगह पर दुश्मन हमें देख नहीं सकता था। वो चार जानू मेरी पीठ पीछे बैठ गया और मेरे कंधे दबाने लगा। ओ 17 साला मर्द, तुम्हें जागते रहना चाहिए। इधर देखो, तुम हो यहां कि नहीं? सो रहे हो? मुझे मालूम था कि उसका ये तंज कासिम की उस बात से मुतालिक था जो उसने चंद दिन पहले कही थी। शाबाश, तुम अब मर्द बन रहे हो। तहम मैं खामोश रहा। शाम से यहां ऊपर लेटे हुए मैंने अभी तक दुश्मन की कितनी तोपखानों का सुराग लगाया था। कितना लगाया था? दरिया की दूसरी तरफ नखलिस्तान के पार सैकड़ों सैकड़ों मोर्चों के दरमियान अचानक एक नली बाहर आती और फायर करती और मैं मुकम्मल खामोशी से गौर से देखता ताकि उन नलियों में से फिर किसी एक से उठने वाली हल्की सी रोशनी नजर आए और मैं अपनी उंगली स्टॉप वॉच पर दबाऊं और फिर अपने दोनों कान आवाज के सिमत में लगाऊं। चंद लम्हों बाद फायर की धार सुनते ही मैंने स्टॉप वॉच का बटन दबाया। हासिले जर्ब रोशनी देखने और फायर की आवाज सुनने के दरमियान फासले से हासिल शुदा अदद जिसकी रफ्तार 333 मीटर फी सेकंड थी, वही खौफनाक फासला था जो दुश्मन के मोर्चों से शुरू होकर एक बराह रास्त रास्ता तय करके नखलिस्तानों और सरहदी दरियाओं के ऊपर से उबूर करके मेरी स्टॉप वॉच की सुइयों पर आकर खत्म होता था। इसी तरह मैं उस अदद को अपने अब्बू की नोटबुक जिसकी जिल चमड़े की थी मैं नोट करता था और अगले रोज दिन की रोशनी में शहर के नक्शे पर निशान लगाता। तुम जवाब क्यों नहीं देते? मैंने खुद 2 पकड़े हैं, इस दफा से ज्यादा बड़े हैं। यह कहकर उसे मेरे कंधे दबाना बंद कर दिया। चलो इन्हें देखने चलते हैं। मैंने उन्हें एक बैरल में डाल दिया है। परवेज जानी, मैं सोना चाहता हूं, सुबह सवेरे उठकर टारगेट स्पॉटिंग करना है। ठीक है, मर खप जाओ। फिर भी वो कहीं गया नहीं और वहीं खड़ा रहा। वो क्या सोच रहा है? तो क्या उसने 2 और भी पकड़ लिए हैं? जिन रातों में झड़पें निस्बतन कम होती वो दरिया के किनारे घाटों और अजीमुज्जुस्सा क्रेनों के दरमियान तवील शगाव से होते हुए दरिया के किनारे तक जा पहुंचता था। पाइपों की सतह जो घाट से नीचे और दरिया से ऊपर होती थी परवेज के लिए दुश्मन की गोलियों से बचने की एक महफूज जगह थी और वो वहां बैठकर आराम से मछलियां पकड़ता था। पहले पहल वो यही सोचकर अपना हुक पानी में डालता
और उस इंतजार में रहता कि मछलियां उसे मुंह से पकड़ ले। ताहम जंग का आगाज होते ही दरिया भूखी शार्क की मछलियों से भर चुका था, जिन्हें अब पहले की तरह वहां से उबूत करने वाली कश्तियों का बाकी मानदा खाना नसीब ना होता, और जो अब गुंधे हुए आटे की एक निवाले को भी गनीमत जानते थे। उसी वजह से हर बार मछलियों के बजाय शार्क आकर उस हुक को उड़ाकर ले जाते थे। परवेज ने भी मुसम्मम इरादा कर लिया कि वो शार्कों के शिकार के साथ अपनी दानिस्त में दरियाई माहौल को तादुल बरकरार करने में मदद करेगा। इस बीच सबसे अहम मसला मछलियां पकड़ने के लिए एक मजबूत तार ढूंढना था, जो शार्क मछलियों के तेज और आरे जैसे दांतों का मुकाबला कर सके। उसे इस मसले का जवाब उसे एक जले हुए फ्लेयर के इंतहाई सिरे पर लगे हुए नाजुक तार की सूरत में मिल गया। ये तार एक बहुत कम कतर वाली फौलादी धागे जैसी कोई शय थी, जिसकी लंबाई आधे मीटर के बराबर थी, जिसे शार्क मछलियां पकड़ने से मखसूस हुक से जोड़ा गया था। बाकी लाइन के लिए भी कश्ती की एक बड़ी रस्सी से इस्तफादा किया। उसने रस्सी के बल को खोला और उसके धागे तीन तीन की सूरत में लड़कियों के बाल की तरह बनाए। उसके बाद हर रात शाम के वक्त जब दोनों तरफ की फौजें गोलाबारी से थक जाती, वो शगाफ के अंदर जाकर अपने हुक पर मसाला लगाकर गुंधा हुआ आटा लगाता और गोल सर और मुख्तसर दस्ते वाला डंडा भी उसके साथ रखता। जब वो हुक पानी में डालता, सबसे नजदीक किस्मत की मारी शार्क मछली, जिसकी मौत बम और दरिया में तैरते हुए माइंस की वजह से अभी तक वाकई नहीं हुई थी, मसाले की खुशबू सूंघकर ललचाती और लुकमे पर अपना दांत गाड़ती। हुक की तार के गिरफ्तार जबड़े न चाहते हुए भी टूटने लगते। शार्क मछली अपने इर्द गिर्द घूमने लगती और इस काम में अपनी तमाम तर जिस्मानी तवानाई और होश जकावत काम में लाती, ताकि किसी तरह इस फौलाद के तार को काट सके। लेकिन अमलन उसे इस काम से कोई फायदा ना होता, उसे वो पीछे हटने लगती। ये जाने बगैर कि शिकारी का सारा मंसूबा उसके इसी तरह खींचे जाने से मुनहसर है। परवेज रस्सी दूसरी तरफ से ढीली छोड़ देता और शार्क मछली उसे दरिया के ठीक दरमियान तक ले जाती थी। हर चंद महीनों बाद परवेज हुक की रस्सी अपनी तरफ खींचता, ताकि उस तरह हुक और मजबूती से शार्क मछली के मुंह में घुस जाए। उसके बाद वो दोबारा हुक की रस्सी ढीली छोड़ देता। दसियों मरतबा रस्सी खींचने और ढीली छोड़ने के बाद आखिरकार शार्क मछली थक जाती और कजा और कदर के सामने सुपरअंदाज हो जाती। फिर रस्सी खींचते हुए ठीक जिस वक्त उस जानवर का सर पानी से बाहर निकलता, परवेज हाथ में पकड़े गोल सर वाले डंडे से उसके सर पर कई मजबूत जर्ब लगाता और फिर सर चकराई हुई शार्क मछली को पानी से बाहर निकालता। अब उस शार्क मछली का क्या फायदा?